हेलो गाइस, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी स्टडी आर्ट। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक कला और आज हम इसका पार्ट टू पढ़ेंगे। का पार्ट वन हम इससे पहली वाली क्लास में कम्प्लीट कर चुके हैं। क्लास में हम सारे प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्रों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश से हमें सर्वाधिक संख्या में प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश की गुफाओं की। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे पंचमढ़ी की। पंचमढ़ी की गुफा 5000 ईसा पूर्व पुरानी है। पंचमढ़ी क्षेत्र की महादेव पर्वतमालाओं के शैल चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर जी आर हंटर को जाता है। उन्होंने 1932 ईस्वी में कांग्रेस ऑफ दी प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक साइंसेज में दिए गए भाषण में यहाँ के शैलचित्रों का परिचय दिया। इन्होंने इन पर अनेकों लेख भी लिखे। इनकी पहली विज्ञप्ति इंडियन केप पेंटिंग के नाम से 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। लेकिन इस क्षेत्र के शैली चित्रों के बारे में विस्तृत विवरण द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स शीर्षक लेख में प्रकाशित हुआ। इसके बाद 1936 में जी आर हंटर ने इस गुफा की खोज की। प्रागैतिहासिक काल में पंचमढ़ी में 5 गुफाएं पत्थर को काटकर बनाई गई हैं। इनकी मान्यता है कि ये पांडवों के वनवास निवास रहे होंगे। ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं हैं। इन गुफाओं के नाम पर ही इनका नाम पंचमढ़ी गुफा पड़ा। पंचमढ़ी में पशु तथा आखेट के अतिरिक्त आदि मानवों के क्रियाकलापों के चित्र भी मिलते हैं। इस युग में मानव ने अस्त्र शस्त्र बनाए। यहाँ से प्राप्त पाषाण उपकरण के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 4 संस्कृतियों में बांटा गया है। भीमबेटका की सबसे बाद की संस्कृति को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। ये शस्त्र गुफाओं में पानी और हवा के द्वारा किए गए जमाव के नीचे दबकर सुरक्षित रहे, लेकिन शंकर तिवारी का कहना है कि यह जमाव पानी हवा के कारण नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से पत्थर के टूटने से हुआ है। हाँ, की एक प्रमुख बात यह है कि यहाँ मानव के रहने के अवशेष मिले हैं, वहाँ चित्र नहीं मिले, और जहाँ पर चित्र मिले हैं वहाँ अवशेष नहीं मिले, क्योंकि मनुष्य अभिव्यक्ति एकांत में ही करता है। अब हम बात करते हैं पंचमढ़ी की स्थिति की। पंचमढ़ी की गुफा मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। यह भोपाल से 70 किलोमीटर दूर है। पंचमढ़ी के आसपास 5 मील के घेरे में 50 के करीब गुफाएँ हैं। इन सभी में महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र उपलब्ध हुए हैं। यहाँ के शैलचित्र अधिकतर गुफाओं की दीवारों और छतों पर दिखाई पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं पंचमढ़ी के चित्रों की। पंचमढ़ी से हमें बहुत से चित्र प्राप्त हुए हैं, जैसे कि सांबर के आखेट का दृश्य जो हमें इमलीखो से प्राप्त हुआ है, जैसे शेर के आखेट का दृश्य जो माड़ादेव से प्राप्त हुआ है जो पीले रंग से बना है, शालकाय बकरी का चित्र जो बाजार केव से प्राप्त हुआ है, अश्वारूढ़ व महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध जो हमें बनियाबोरी गुफा से प्राप्त हुआ है। गाइस, मैंने यहाँ आपके लिए चित्रों की फ़ोटोज़ भी डाल दी है, जिससे कि आप चित्रों को देखकर उन्हें आसानी से समझ सकें। इसके अलावा हमें यहाँ से शहद एकत्र करते हुए मनुष्य का चित्र मिला है, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक का चित्र मिला है, गायों को चरवाते चरवाहे का चित्र मिला है, और नृत्य वादन का चित्र मिला है जम्मू द्वीप पंचमढ़ी से। अब हम पंचमढ़ी की कुछ विशेषताएं देखेंगे। प्राचीन काल में सामान्य जनजीवन से संबंधित चित्र सर्वप्रथम पंचमढ़ी से प्राप्त हुए हैं। स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र बनियाबोरी गुफा से मिलता है। यहाँ चित्रों के 3 स्तर प्राप्त होते हैं। पहले स्तर में तख्तीनुमा व डमरूनुमा मानव आकृतियों को बनाया गया है, जिनके शारीरिक गठन को लहरदार रेखाओं से दिखाया गया है। इनमें लाल पीले रंग की अधिकता है। दूसरे स्तर में आकृतियाँ
बेडोल, ओजपून एवं असंतुलित ही दिखाई देती हैं। इनमें केवल उनका अहेरिया या शिकारी रूप ही दिखाई देता है। तीसरे स्तर में आकृतियाँ कुछ स्वाभाविक बनी हैं। इस स्तर वाले चित्रों में आखेट के लिए प्रस्थान करते तथा शहद एकत्र करते हुए मनुष्य, घुड़सवार योद्धा, शस्त्रधारी सैनिक, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक तथा घरेलू जीवन से संबंधित अनेक चित्रों को यहाँ दीवारों पर अंकित किया गया है। इन चित्रों के रंग काले व सफ़ेद हैं, जिन्हें बाहर से लाल रंग की रेखा में आकृतिबद्ध किया गया है। पंचमणि के चित्रों को अल्टामीरा की गुफाओं के समकक्ष माना गया है। अब हम देखेंगे होशंगाबाद को, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर हम बात करें होशंगाबाद के क्षेत्रों की, तो आदमगढ़, बूंदनी, रोहेली, ये सभी क्षेत्र होशंगाबाद के अंतर्गत आते हैं। अगर हम होशंगाबाद की स्थिति देखें, तो ये पंचमणि से 45 मील दूर नर्मदा नदी की घाटी में आदमगढ़ की पहाड़ी पर है। यहाँ एक दर्जन से अधिक शिलाश्य मिले हैं। होशंगाबाद से 5 किलोमीटर दूर तक एक छोटी सी पहाड़ी है, जिसे आदमगढ़ कहते हैं। इसी पहाड़ी के ऊपरी भाग में एक दर्जन से अधिक श्रृंखलाबद्ध विशाल शिलाश्य पाए गए हैं। अब हम देखेंगे होशंगाबाद के चित्रों को। यहाँ से हमें अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं, जैसे जिराफ ग्रुप, मोर तथा वनदेवी का चित्र, छलांग लगाते बारहसिंगा का चित्र जो पीले रंग का है। इसके अलावा हमें यहाँ से चार धनुर्धारियों का चित्र मिला है, हल्के पीले रंग के हाथी का चित्र मिला है और महामहिष का चित्र मिला है। हम होशंगाबाद की विशेषताओं को देखेंगे। यहाँ चित्रों के 6 स्तर प्राप्त होते हैं। यहाँ चित्र क्षेपांकन या स्टेंसिल पत्ती से बने हुए हैं। अब हम देखेंगे पहाड़गढ़ को, जो कि हमारा मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें, तो ये ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर मुरैना ज़िले में पड़ता है और ये आसन नदी के तट पर है। इसकी खोज DPS द्वारिकेश ने की थी। अब हम पहाड़गढ़ के चित्रों को देखेंगे। मानव आकृतियाँ धनुषों, तीरों व भालों को लेकर हाथी घोड़ों पर सवार हैं। इस प्रकार के चित्र हमें यहाँ से मिले हैं। अब हम पहाड़गढ़ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। ये सभी गुफाएं जंगली मधुमक्खियों के छत्तों से भरी पड़ी हैं। यहाँ 1500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली लगभग कई गुफाएं हैं। अब हम देखेंगे मंदसौर को, जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है। मंदसौर की गुफाएं मंदसौर ज़िले में मोरी नामक स्थान पर स्थित हैं। अब हम मंदसौर गुफा के गुफा चित्रों को देखेंगे, जिसमें हमें स्वास्तिक चित्र मिलता है, सूर्य का चित्र मिलता है, चक्र, सर्वतोभद्र, अष्टदल, कमल आदि का चित्र मिलता है। इसके अलावा हमें पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह भी यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ से देहाती बाँस से बनी गाड़ियों का चित्र मिलता है, नृत्यरत मानव का चित्र मिलता है, पशुओं को हाँकते ग्वालों का चित्र भी मिलता है। अब हम बात करेंगे भीमबेटका की। भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अगर हम बात करें भीमबेटका के गुफाओं की, तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित है, जो भोपाल से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में भीमबेटका नाम की पहाड़ी पर स्थित है। यह गुफा 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। इस गुफा की खोज 1958-59 ईस्वी में उज्जैन विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के प्रोफेसर श्री विष्णु वाकरकर ने की थी। भीमबेटका के दोनों ओर छोटी बड़ी 600 से अधिक गुफाएं मिली हैं, जो 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं। इन पर्वत श्रेणियों की शिलाएं बलुआ पत्थर की हैं। यहाँ के पत्थर बहुत सख्त एवं भारी हैं। इन शिलाशयों की दीवारें और ऊपरी छत क्वार्टजाइट सैंड स्टोन श्रेणी की हैं। अब हम भीमबेटका गुफा चित्रों को देखेंगे। यहाँ से हमें हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसा, ग्वाले, शिकार नृत्य और ग्राम्य जीवन के चित्र प्राप्त हुए हैं।
अब हम भीमबेटका के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। यहाँ से लगभग 600 गुफाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें से 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष मिलते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र था। 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया। भीमबेटका के चित्र दो स्तर में मिले हैं। पहले स्तर के चित्रों में शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रिक्ष, जंगली भैंसा, घोड़े, हाथी एवं अस्त्रधारी घुड़सवार हैं। दूसरे स्तर पर मानव को जानवरों के साथ अतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। अब हम मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र को देखेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र के धर्मपुरी गुहा मंदिर, शिमला रिल, बरखेड़ा, सांची, सेक्रेट, उदयगिरी आदि स्थानों से हमें आदिम चित्रकला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़, सिहनपुर, बोतालदा आदि स्थानों से हमें चित्र प्राप्त होते हैं। छत्तीसगढ़ के बोतालदा से हमें हिरण, छिपकली और जंगली भैंसे का चित्र प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे सिहनपुर की, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगर हम सिहनपुर की गुफाओं की बात करें तो यह गुफा माण नदी के किनारे स्थित है। यहाँ 50 गुफाएं हैं। इस गुफा की खोज 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। 1913 ईस्वी में अमरनाथ दत्त व 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने इन गुफाओं का परिचय दिया। सिहनपुर चावरतल पर्वत श्रृंखला के तट पर बसा एक गांव है, जो मध्य प्रदेश के रायगढ़ रियासत के छोटी मांद नदी के पूर्व की ओर स्थित है। यहां का विश्वविख्यात शिलाशय इन्हीं गुफाओं के पास है, जो त्रिभुजात्मक है। अब हम सिहनपुर के चित्रों को देखेंगे। यहां से हमें द्वार पर असभ्य कंगारू का चित्र प्राप्त हुआ है। इसके अलावा घायल भैंसा, सूंड उठाए हाथी, महिष आदि का चित्र भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमें यहाँ से जंगली भैंसे को पकड़ते हुए तथा भाले से छेदते हुए कपी मानव का चित्र, आदिम अवस्था को व्यक्त करते हुए कपी मानव का चित्र और आखिर दृश्य का चित्र प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की गुफाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर क्षेत्र को देखेंगे। मिर्ज़ापुर क्षेत्र के अंतर्गत लिखुनिया, भलडारिया, महाडरिया, विजयगढ़, विडम, कंडाकोट, घोड़मंगर, कोहबर, चुनार, हरनीहरन, लोहरी, बागा पथरी, सहवाइया पथरी, लखहट पथरी आदि क्षेत्र आते हैं। अब हम मिर्ज़ापुर की स्थिति को देखते हैं। ये गुफाएं सोन नदी की घाटी में स्थित हैं, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कैमूर श्रृंखला में स्थित है। यहाँ गुफाओं की छतों व दीवारों पर 5000 ईसा पूर्व के चित्र उत्कीर्ण हैं। मिर्ज़ापुर में अधिकांश चित्र छतों पर बने हैं। मिर्ज़ापुर में 100 से अधिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं। अब हम बात करते हैं मिर्ज़ापुर क्षेत्र की खोज के बारे में। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम मिर्ज़ापुर में हुई। आर्चिबल्ड कार्लाइल तथा जॉन कॉकबर्न ने 1880 में कैमूर पहाड़ियों से प्रागैतिहासिक चित्रों को खोज निकाला। कार्लाइल को सन 1880 ईस्वी में ये चित्र मिला। वे इसकी सूचना ही दे पाए थे, जबकि इसी समय कॉकबर्न ने इन चित्रों को देखा और इसका सचित्र विवरण जनरल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका में 1883 में प्रकाशित कराया। इसी लेख के साथ घोड़मंगर नामक शिलाशय से प्राप्त गैंडे के आखेट का चित्र भी प्रकाशित कराया। अब हम देखेंगे कि मिर्ज़ापुर से हमें कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र मिलता है, जो हमें मिर्ज़ापुर के महाडरिया क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। इसके बाद हमें यहाँ से घायल सुअर का या सुअर के आखेट का चित्र प्राप्त हुआ है, जो हमें भलडरिया से मिला है। इसके बाद गैंडे का आखेट का चित्र प्राप्त हुआ है, जो हमें घोड़मंगर से मिला है, जो प्रागैतिहासिक काल का प्रथम चित्र माना जाता है। इसके अलावा हमें यहाँ से एक आदमी का चित्र मिला है, जो जलती हुई मशाल लिए बाघ का सामना करता हुआ दिखाया गया है,
यह चित्र हमें लोहरी से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमें शाही के आखेट का चित्र प्राप्त हुआ है जो हमें सरोहो घाट से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमें हाथ के छापे मिले हैं जो हमें सरोहो घाट से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भूत का रहस्यमयी चित्र प्राप्त हुआ है जो हमें कांडाकोट से मिला है। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के लिखुनिया क्षेत्र को। यह गरई नदी के किनारे मिर्ज़ापुर में स्थित है। अब हम देखेंगे लिखुनिया के चित्रों को। यहाँ से हमें नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों के समूह का चित्र प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमें यहाँ से हाथियों के पकड़ने का चित्र भी प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक काल में नृत्य चित्रों के लिए लिखुनिया प्रसिद्ध है। अब हम पढ़ेंगे हरनीहरन गुफा को, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसकी खोज कार्लाइल ने की थी। इसकी स्थिति, यह मिर्ज़ापुर क्षेत्र में विजयगढ़ दुर्ग के समीप हरनीहरन गांव में स्थित है। अब हम हरनीहरन के चित्रों को देखेंगे। यहाँ से हमें गैंडे के आखेट करते हुए शिकारियों का चित्र प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमें यहाँ से आखेटकों की प्रहार करती हुई मुद्राओं का चित्र प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गैंडे के आखेट का चित्र हमें घोड़मंगर मिर्ज़ापुर से भी प्राप्त होता है और यह चित्र हमें हरनीहरन गुफा से भी प्राप्त होता है। अब हम उत्तर प्रदेश के बांदा क्षेत्र को देखेंगे। बांदा में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज 1907 में C.A. सिल्वेरॉट ने की थी। बांदा क्षेत्र के चित्र, यहाँ से हमें पहिया रहित छकड़ा गाड़ी प्राप्त हुई है जो हमें बांदा क्षेत्र के मानिकपुर से प्राप्त हुई है। इसके अलावा हमें यहाँ से बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्र प्राप्त हुआ है जो हमें बांदा क्षेत्र के करियाकुंड से प्राप्त हुआ है। अब हम उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्रों को देखेंगे जहाँ से हमें प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो उत्तराखंड के हमें पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली आदि स्थानों से प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं। अब हम राजस्थान के गुफा चित्रों को देखेंगे। राजस्थान में हम सबसे पहले अलनिया क्षेत्र के चित्रों को देखेंगे। यहाँ के चित्र 5000 ईसा पूर्व के हैं तथा ये चित्र गेरू रंग से बनाए गए हैं। आसपास के लोग इसे सीता जी के मांडनों के नाम से संबोधित करते हैं। अब हम बात करेंगे झारखंड के चक्रधरपुर क्षेत्र की। चक्रधर के चित्रों में कुछ व्यक्तियों को लेटे हुए दिखाया गया है जो शिकार विजय पर गर्वोन्नत हो रहे हैं। चक्रधरपुर के चित्रों को असित कुमार हल्दार ने 3000 BC का बताया है। अब हम दक्षिण भारत के गुफा चित्रों को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम बेल्लारी की गुफा को देखेंगे जो कि कर्नाटक में पड़ती है। बेल्लारी की खोज 1892 में एक अंग्रेज अधिकारी एफ फॉसेट ने की थी। बेल्लारी आदिम कला का प्रमुख केंद्र है। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थियां बेल्लारी से प्राप्त हुई थी। बेल्लारी से 6 कोनों वाला एक सितारा मिला है। बेल्लारी के चित्रों को पर्सी ब्राउन ने स्पेन की गुफा कोगुल गुफा के समान माना है। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे विल्ला सरगम की गुफा को, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ हड्डियों के कुछ हथियार एवं जादू प्रचलन के कुछ चिन्ह मिले हैं। इस गुफा को रांगे राव ने नियोलिथिक एज या नवपाषाण काल का माना है। अब हम पढ़ेंगे बाइनाइट के एटकल को, जो कि केरल में है। इस गुफा की खोज 1901 में फॉसेट ने की थी। यहाँ पर स्वास्तिक, सूर्य, चक्र, चौखट के चिन्ह मिले हैं। इसके अलावा हम प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव प्रागैतिहासिक काल में शिला चित्रों से होता है। भीमबेटका में नीले रंग के पाषाणखंड भी प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारत में पाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल, कांस्य काल, तत्पश्चात लौह युग का आरंभ होता है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण काल के बाद लौह युग का आरंभ होता है। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना सन 1861 में हुई थी और पाषाण काल का अनुसंधान 1863 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, जिसे ब्रूसफुट ने प्रारंभ किया था।
मिर्जापुर की कैमूर पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा चित्र मिले हैं। हिरोंजी पिस्ते सिलबट्टों की खोज ब्रुक्सफुट ने मिर्जापुर से की थी। सबसे अधिक धनुर्धारियों का चित्रण हमें पंचमढ़ी से मिलता है। मानव द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। प्रागैतिहासिक कला सबसे अधिक समय तक अफ्रीका में जीवित रही। ज्यामितीय तथा अमूर्त कला का विकास हमें नवपाषाण काल से देखने को मिलता है। अब हम प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की विशेषताओं को देखेंगे। प्रागैतिहासिक कालीन चित्र सरल एवं अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले हैं। चित्र रेखाओं द्वारा ही बनाए गए हैं। रेखाएं कहीं भी टूटी फूटी नहीं दिखाई गई है। प्रागैतिहासिक कालीन मानव केरू का प्रयोग लाल रंग के लिए, रामराज का प्रयोग पीले रंग के लिए, खड़िए का प्रयोग सफ़ेद रंग के लिए तथा काजल का प्रयोग काले रंग के लिए करता था। प्रागैतिहासिक कला सामुदायिक है। मानव अपने हृदयगत भावों को शांत करने के लिए चित्र बनाता था। प्रागैतिहासिक कला वर्णनात्मक है। प्रत्येक चित्र उस समय के जनजीवन एवं सभ्यता का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। हम देखेंगे प्रागैतिहासिक कालीन मानव कैसे रंगों का प्रयोग करता था। प्रागैतिहासिक कालीन मानव गेरू, रामराज, खड़िया, काजल आदि रंगों का प्रयोग करता था। वह नरकुल को काटकर कूची बनाता था, जिसे वर्तिका भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का मानव रंगों को पशुओं के पुट्ठों की प्याली में बनाकर उसमें रंग घोलता था। रंगों को गीला करने के लिए उसमें चर्बी मिलाता था। तत्पश्चात यह रेखांकन करता था। इसके अतिरिक्त उसने कहीं कहीं पर नरकुल और हाथ की उंगलियों का भी प्रयोग किया है। उसने प्रायः खनिज रंगों का ही प्रयोग किया है। तो गाइस, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।